साल 1975 भारत के इतिहास का एक ऐसा दिन जिसे भुलाए भी नहीं भूला जा सकता। 26 जून 1975 का वो दिन जब ऑल इंडिया रेडियो पर अनाउंसमेंट हुआ कि राष्ट्रपति ने इमरजेंसी की घोषणा की है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस साल को सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही याद नहीं किया जाता है, बल्कि इमरजेंसी लागू होने से 20 हफ्ते पहले कुछ ऐसा हुआ जो कि इमरजेंसी जितना दुर्भाग्यशाली तो नहीं, लेकिन उससे ताल्लुक ज़रूर रखता था। 13 फरवरी 1975 को एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था आंधी। अपने नाम की ही तरह इस फिल्म ने खूब आंधी मचाई थी, अपने रिलीफ के वक्त नहीं बल्कि इमरजेंसी के वक्त। दरअसल अफवाह ये उड़ी कि आंधी ये फिल्म इंदिरा गांधी की ही कहानी है। बस फिर क्या था, कांग्रेस पार्टी ने इस फिल्म पर कैची चलाने के साथ साथ ही फिल्म को डब्बा बंद करवाने की पूरी पुरजोर कोशिश की। ये फिल्म एक क्लासिक एग्जाम्पल बन चुकी थी कि जब भी सत्ता अभिव्यक्ति की आज़ादी पर तलवार चलाएगी तब तब आंधी आएगी। बात इसी फिल्म की करेंगे कि इस फिल्म को जब रिलीफ किया गया, फिर बैन किया गया, फिर दोबारा 2 साल बाद क्यों रिलीफ किया गया। आंधी की रिलीफ के बाद कहीं अफवाहें उड़ने लगी, कहीं खुफुर पुफुर होने लगी, कहीं खुलेआम चर्चा होने लगी कि गुलजार की बनाई हुई ये फिल्म इंदिरा गांधी की कहानी पर ही आधारित है। साउथ इंडिया में तो पोस्टर्स तक छप गए कि अपने प्रधानमंत्री को देखिए बड़े पर्दे पर। दिल्ली में एक अखबार में एक लेख छपा जिसमें लिखा था कि आज़ाद भारत की एक महान महिला नेता की कहानी। अफवाहों का बाजार गर्म होने लगा। सरकार को डर ये था कि फिल्म इंदिरा गांधी की छवि को नुकसान न पहुंचाए। इसी के बाद इंदिरा गांधी ने अपने 2 अधिकारियों को फिल्म देखकर आने का आदेश दिया। जब वे फिल्म देखकर आए तो उन्हें फिल्म में किसी तरह की बुराई नज़र नहीं आई, बल्कि उन्होंने फिल्म की तारीफ ही की। इसके साथ साथ ही उस समय के प्रसारण मंत्री इंदर कुमार गुजराल ने भी फिल्म देखी, उन्हें भी फिल्म में किसी तरह की दिक्कत नहीं नज़र आई। ये सारी बातें तब हो रही थी जब गुलजार साहब ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था कि फिल्म की लीड हीरोइन का इंदिरा गांधी से कोई लेना देना नहीं है। ये सारा बवाल फिल्म की लीड एक्ट्रेस को लेकर था जो कि निभा रही थी सुचित्रा सेन। इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस सुचित्रा सेन का फिल्म में पहरावा से लेकर बोलने का लहजा से लेकर चाल ढाल सभी इंदिरा गांधी से मिलता जुलता था। यहाँ तक कि उनके बालों को भी उसी तरह से सफ़ेद रंग किया गया था जिस तरह से इंदिरा गांधी का था। इन सारी समानताओं को नकारना मुश्किल था। इन सारे समानताओं को मेकर्स ने महज एक इत्तेफाक का नाम दिया, लेकिन इन सारे घटनाओं के कुछ साल बाद गुलजार ने इस बात को कबूला कि फिल्म की लीड एक्ट्रेस की प्रेरणा उन्होंने इंदिरा गांधी से ही ली थी, मगर ये फिल्म इंदिरा गांधी की कहानी पर आधारित बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी जितनी कोई बड़ी महिला नेता नहीं थी, उनका वर्चस्व बिल्कुल अलग था, इसीलिए उन्होंने इंदिरा गांधी से कुछ चीज़ें उधार ली थी। आंधी के रिलीफ के वक्त ये सारे बवाल नहीं हुए, बल्कि उसके रिलीफ के 23 से 24 हफ्तों बाद हुए जब गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए। क्योंकि आंधी फिल्म ने सुचित्रा सेन का एक सीन है जिसमें वो सिगरेट और शराब पीती दिखाई गई है। बस विपक्षी पार्टियों ने इसी क्लिप को प्रचार के तौर पर यूज किया कि जैसे कि ये सारा कुछ इंदिरा गांधी ही कर रही है। अपनी छवि को और बुरा ना होने देने के लिए ही इंदिरा गांधी ने इस फिल्म पर बैन करना ही उचित समझा। जिस समय फिल्म बैन हो गई उस समय गुलजार मॉस्को के फिल्म फेस्टिवल में गए हुए थे। यहाँ पर उनकी फिल्म आंधी की स्क्रीनिंग होनी थी, मगर जैसे ही वहां पता चला कि भारत में इस फिल्म को बैन कर दिया गया है तो मॉस्को में भी इस फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं हुई। गुलजार भारत आ गए। भारत आने पर उन्हें सरकार की तरफ से एक नोटिस मिला जिसमें लिखा था कि उन्हें फिल्म में से सुचित्रा सेन के शराब पीने और सिगरेट वाले सीन को हटाना होगा। उन्होंने बहुत कोशिश की कि सरकार इस पर से बैन हटा दे, मगर सरकार अपने पैर पीछे लेने वाली बिल्कुल नहीं थी। तभी गुलजार जी को एक तिकड़म सूझा और उन्होंने फिल्म के इस सीन को हटाकर फिल्म में एक ऐसा सीन डाला जिसमें सुचित्रा सेन इंदिरा गांधी की फ़ोटो के आगे उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत बता रही है। अब आप ये सोचेंगे कि फिल्म पर जब बैन लगा दिया गया तो आज ये फिल्म हमें YouTube पर क्यों देखने मिलती है, क्यों YouTube पर आंधी सर्च करने पर ये फिल्म हमें मुफ्त में देखने मिलती है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि 1977 के आते आते इमरजेंसी खत्म हो चुकी थी और इसी के बाद आंधी फिल्म पर लगाए इस बैन को भी हटा दिया गया और फिल्म को दोबारा से रिलीज किया गया। इतना ही नहीं तो फिल्म को टेलीविजन पर भी रिलीज किया गया था। आंधी सर्च करने पर पूरी की पूरी फीड
इमरजेंसी के उन विवादों से भर जाएगी कि क्यों फिल्म पर बैन लगा था और किस तरह से इसका बैन हटा वगैरह वगैरह। इस बैन के अलावा इस फिल्म से जुड़ा एक और विवाद है कि इस फिल्म को लिखा किसने है। देखा जाए तो दो लोगों का नाम सामने आता है, पहला गुलजार और दूसरा कमलेश्वर, जिनकी कई सारी कहानियां हमने अपने हिंदी के साहित्य बुक में पढ़ी है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में उनका नाम ज़रूर बताएं। साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में आप लिख कर बता सकते हैं। तो मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड रेट्रो। टेक केयर, बाय बाय।